हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिश्रित भिन्न करना सीखेंगे। तुम्हारी भिन्न है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क है इसकी, और प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। तो पहले इसको हम सरल बना लेते हैं। तो 2 का 2 से गुणा जाएगा 2 4, 4 में 1 जुड़े 5, 5/2 प्लस की प्लस, तो चौक 12, 12 में जुड़े 13, तो 13/4 प्लस की प्लस। क्वेश्चन मार्क की जब हम एक्स मान लेंगे, प्लस की प्लस, 3 दूनी 6 1 जुड़े 7/3, 12 से 13 से गुणा करेंगे तो 12 से तुम्हारा गुणा आएगा 156, 156 में 5 जुड़ जाएगी तो कितनी आएगी 161 बट्टे 12। अब इसके क्रम चेंज कर लेते हैं, तो 5/2 प्लस 13/4, इस संख्या को पहले लिख लेंगे 7/3, उस एक्स को बाद में लेंगे प्लस एक्स, और बराबर क्या लिखा है 161/12। अब इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, 2, 4, 3, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 2, 4, 3, तो 2 से कट रही है 2 एकम 2, 2 नी 4 और 3 की 3। अभी 2 से कट रही है 2 एकम 2 और 3 की 3, 3 को 3 से काट देंगे 1, 1, 1, इनका गुणा करेंगे 2 गुणा 2 3, 2 नी 4 4 3 12, तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया है 12। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो 12, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बजेगा 6 बार, 6 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 चक्के 30 प्लस की प्लस, 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बजेगा 3 बार, 3 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 3 39 प्लस की प्लस, 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बजेगा 4 बार, 4 का गुणा 7 से करेंगे 7 चौक 28 प्लस एक्स बराबर 161/12। 12 की 12 इनको जोड़ लेंगे तो 30 39 28 इनको जोड़ेंगे तो कितना जोड़ाएगा हमारा 97 प्लस एक्स बराबर 161/12। तो एक्स बराबर 161/12, इसको इस तरफ लेंगे तो माइनस के जाएंगे, तो माइनस के 97/12। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कोई संख्या सेम होती है तो उसका एलसीएम वही आता है, तो एलसीएम क्या आएगा 12 की 12, यहाँ 161 माइनस 97। तो 161 में से 97 हो गया तो कितना बचेगा, चौंसठ 64/12। अगर अंश और हर दो किसी एक संख्या से दोनों कट रहे हैं तो उनको काट सकते हैं, जैसे दोनों 4 से कट रहे हैं तो 4 से 64 को काटेंगे तो कितनी होगी 16 बार, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार, तो एक्स बराबर 16/3, एक्स बराबर 16/3 आ गया हमारी मिश्रित भिन्न थी, तो आंसर भी मिश्रित भिन्न में आएगा, तो 3 का भाग देंगे 16 में, तो 5 15 कितनी हो जा रहा है 5 बार। शेषफल कितना बच रहा है 1, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको नीचे रखते हैं और शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और कितनी बार गए 5 बार, उसको आगे लिखते हैं, तो एक्स बराबर हमारा आंसर आएगा 5 सही 1/3, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।